जनपद अध्यक्ष गेंदा रानी प्रहलाद सिंह यादव के कर कमलों के द्वारा जनपद कार्यालय खनियादाना में नवीन मीट हॉल का भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद पंचायत नगर परिषद सीएमओ भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह यादव एवं भाजपा के मंडल के पदाधिकारी गण एवं अनेकों ग्राम पंचायत के सचिव एवं सहायक रोजगार उपस्थित रहे। गौरतलब है कि जनपद कार्यालय में मीटिंग हॉल न होने की वजह से अभी तक बड़ी बैठकों का आयोजन नहीं हो पा रहा था। उन्हीं समस्याओं को देखते हुए सभी जनपद सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीईओ ने एक मत होकर वित्त आयोग से आई हुई राशि और सभी जनपद सदस्यों ने अपनी अपनी मद से राशि देकर नवीन मीटिंग हॉल के लिए दी, जिसके पश्चात नवीन हॉल के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम 16 मई को निर्धारित किया गया था। यह भूमि पूजन सांसद के पी यादव, प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एवं क्षेत्र विधायक के कर कमलों द्वारा निर्धारित किया गया था, जो किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद यह भूमि पूजन कार्यक्रम सभी की सहमति से आज दिनांक को जनपद अध्यक्ष गेंदा रानी प्रहलाद सिंह यादव जी द्वारा संपन्न किया गया। ये आज जो भूमि पूजन आप सब लोगों की उपस्थिति में किया गया, वो एक मीटिंग हॉल का निर्माण है और इस भवन के लिए जो राशि 15 वित्त आयोग से आई थी और जनपद सदस्यों के अनुशंसा पर वो पैसा व्यय होता है, तो उसमें सब जनपद सदस्यों ने अपने हिस्से की राशि में से इसके लिए योगदान अंशदान दिया है। इस और ये 37 लाख रुपए का ये भवन निर्माण होगा, जिसमें अभी तक एक मीटिंग हॉल जब भी मीटिंग होती थी तो एक से एक पंचायत होने के कारण कम से कम एक साथ सचिव और रोजगार सहायक को बुलाते तो 202 और अन्य अमला मिला के 225 के लगभग संख्या पहुंचती थी, जिसमें एक साथ बैठना संभव नहीं था। उस समस्या से निजात दिलाने के लिए ये कभी बहुत समय से महसूस की जा रही थी, तो सदस्यों से अनुरोध किया और सदस्यों ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए कार्य योजना में इस काम को अनुमोदन किया। इसके बाद आज जो और इसकी निर्माण एजेंसी REIS विभागीय एजेंसी है, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा भवन बनेगा और एक साथ सब पंचायत के लोग जनप्रतिनिधि या वो बैठ के और अपना विचार विमर्श और शासन की योजनाओं का विचार विमर्श कर सकेंगे। सर, लगभग कितनी लागत की ये भवन निर्माण है? 37 लाख रुपए का है। खनियादाना से मुकेश प्रजापति की ये रिपोर्ट।